अस्सलाम वालेकुम, सैयद राशिद आपसे मुखातिब हूँ। राशिद अपडेट्स में आप तमाम आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने ट्रांसजेंडर एक्ट की मुतअद्दिद दफ़ात को गैर शरई करार दे दिया है। इस्लामाबाद में नज़रियाती काउंसिल का एक अहम इजलास हुआ, जिसमें ट्रांसजेंडर एक्ट में मुतअद्दिद दफ़ात को गैर शरई करार दे दिया गया। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का कहना है कि एक्ट की मुतअद्दिद दफ़ात शरई असूलों के साथ हम आहंग नहीं। ट्रांसजेंडर एक्ट नित नए माशरती मसाइल पैदा करने का सबब बन सकता है। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की जानिब से जारी अलामिया में हकीकी मुखन्नस के हकूक के तहफ्फुज की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। हुकूमत ट्रांसजेंडर अफराद के बारे में एक्ट के जायजे के लिए कमेटी बनाए। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का कहना है कि ये कमेटी इस्लामी नज़रियाती काउंसिल, उलमा, माहिरीन कानून, माहिरीन तिब पर मुश्तमिल हो। कमेटी ख्वाजा सराओं के बारे में कानून का तफसीली जायजा ले। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने नैब तरमीमी कानून 2022 की तारीफ भी की और कहा कि नैब कानून से मुतल्लिक काउंसिल की दीगर सिफारिशात को भी शामिल किया जाए।